हेलो फ्रेंड्स आज की ताजा खबर में आप सब की स्वागत है झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी मुंडा ने कहा हेवन सरकार सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती सोरेन सरकार विजनलेस है जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को झारखंड के हेमंत सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है हेमंत सरकार विजन लेस है गुरुवार को दुमका में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में अर्जुन मुंडा ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र सरकार का लक्ष्य है लेकिन हेमंत सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है जिसकी वजह से राज्य में केंद्रीय योजनाएं भी फैल हो रहे हैं कहा कि राज्य में आर्थिक समृद्धि के लिए विजन के साथ काम करने की आवश्यकता है इसी के साथ अगली बड़ी खबर कांग्रेस के बयान पर आजसू का पलटवार कहा जे एम एम की परजीवी बनी है पार्टी बैरमो उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग लगातार जारी है मौसम सर्द होने के कगार पर है लेकिन राजनीतिक पारा गर्म है इस राजनीतिक पारे को और गर्म कर रही है राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी कांग्रेस ने जहां एनडीए गठबंधन के आंसू को सबसे कमजोर पार्टी बता डाल तो वहीं आंसू ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस के जे एम एम पर का पारजीवी बता डाला आंसू ने कहा कि कहा आज कांग्रेस नेशनल पार्टी होते हुए भी जे एम एम के सहारे है वहीं बीजेपी के आंसू और भाजपा के गठबंधन को नैसर्गिक गठबंधन बताते हुए इसे राज बनने से पहले का गठबंधन बताया है इसी के साथ अगली बड़ी खबर बीजेपी ने इसी से जेएमएम के दुमका प्रत्याशी का नामांकन कर रद्द करने की मांग की मिला कुछ ऐसा जवाब बीजेपी चुनाव आयोग संवर्ग विभाग के संयोजन सुधीर कुमार ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुमका से जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन की उम्मीदवारों को रद्द करने की मांग की निर्वाचन आयोग से की गई झारखंड बीजेपी ने जेएमएम उम्मीदवार पर शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग के तथ्यहीन और भ्रामक सूचना देने का आरोप लगाया है